हेलो गाइस दिस इज मी मील एंड यू आर वाचिंग हसन आर्ट स्टूडियो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्कपच्चर के क्वेश्चन एंड आंसर्स और ये क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज का लास्ट वीडियो होने वाला है आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहे होंगे अगर वीडियोस बेनिफिशियल रहे हैं तो आप हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ जिनके पास है पेंटिंग सब्जेक्ट इन क्लास ट्वेल्थ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आपको हमारे अपडेटेड वीडियोस मिलते रहें और हम यहाँ पर डे टू डे वीडियोस डाल रहे हैं और आप लोगों को गाइड कर रहे हैं कि कैसे आपको एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस uh, देनी है और कैसे आपको लिखना है या जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं आज की वीडियो चलिए शुरू करते हैं ओके नाव लेट डिस्कस द स्कपच्चर द चैप्टर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पहले इसके देख लेते हैं इन विच मीडियम द ट्रेम्फ ऑफ द लेबर स्कप्चर इज मेड तो ये स्टोन में है सीमेंट एंड कॉन्क्रीट है ब्रॉन्ज है एंड ब्रॉन्ज एंड सीमेंट है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये है ब्रॉन्ज एंड सीमेंट मैंशन द टाइटल ऑफ स्कप्चर डन वाई अम्बरनाथ सहगल तो अमरनाथ सहगल का कौन सा स्कप्चर uh, आपके सिलेबस में है तो वो है क्राइस इन हार्ड ठीक है क्राइस हार्ट एंड नेम ऑफ द स्कल्पचर डन बाय पी वी जानकी राम तो पी वी जानकी राम का जो आपका स्कल्पचर है वो है गणेशा एंड इन विच मीडियम सिथॉल फैमिली स्कप्चर इज मेड तो कौन से मीडियम में सिथोल फैमिली स्कप्चर बना है तो वो है सीमेंट एंड कॉन्क्रीट और ये राम किंकर वेज ने बनाया है ठीक है एंड इन विच स्कप्चर मीडियम ऑक्साइड कॉपर टिन एंड वायर इज़ यूज तो एक ही ऐसा स्कप्चर uh, है जिसमें टिन एंड वायर ऑक्साइड कॉपर देखने को मिलता है तो वो है हमारा uh, गणेशा फैमिली टाइम गणेश जी को जो है टिन एंड वायर से उसमें फेशियल फीचर्स वगैरह ऐड करे गए हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं विच मॉडर्न स्कप्चर हैज़ बीन सेटअप एट द मेन गेट ऑफ नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट तो वो है ट्राइम ऑफ द लेवर एंड इन विच स्कप्चर फिगर्स आर शॉन फ्लाइंगिंग देयर आर्म्स एव द्राइंग आउट फॉर हेल्प इन वेन तो वो क्राइस इन हार्ड है एंड क्वेश्चन नंबर एट आता है इन विच स्क लाइनर एलिमेंट्स वर्क एज अ फेसियल फीचर एंड डेकोरेटिव मोटिव टू सजेस्ट रिलीजियस आईकन एंड इनवाइटिंग इंटीमेट कंटम्पलेन तो वो हमारा एक ही वन ओनली है जिसमें फेसियल फीचर्स बाय बायर दिखाए गए हैं तो वो है गणेशा क्वेश्चन नंबर नाइन आता है विच इस कप्चर प्लेस्ड आउटसाइड कला भवन कोलकाता एंड गिवन इन योर कोर्स ऑफ स्टडी तो वो है हमारा सिंथॉल फैमिली जो कि कला भवन में है एंड इन विच इस फोर फॉर मैन ट्राइंग टू मूव अ रॉक तो वो है हमारा ट्राइम्प ऑफ द लेवर ये आपका आंसर है अभी शॉर्ट आंसर्स देख लेते हैं identify any relevant sculpture of the modern period including in your course of the study comprising of the following features and explain them in that पेंटिंग अकॉर्डिंगली इन विच स्क फोर मैन ट्राइंग टू मूव अ रॉक तो यहाँ पर आपको पता लग जाता है कि वो है ट्राइम ऑफ लेवर क्वेश्चन नंबर टू इसमें ही देख लेते हैं जो इसका भी आंसर सेम ही होने वाला है इन डीड ऑफ मैथोलॉजिकल थीम्स इन हिज आर्ट वर्क अ डिसिप्ल ऑफ अभिनिंद्रनाथ टैगोर तो यहाँ पर ये यह थोड़ा कन्फ्यूजिंग वाला क्वेश्चन uh, था जिसमें कि बच्चों ने समझा कि अभिनिंद्र नाथ टैगोर की बात हो रही है यहाँ पर बट डिसिपल यानी कि स्टूडेंट की बात हो रही है या फॉलोअर की बात हो रही है अभनिंद्राथ टैगोर के जो कि है डी पी रॉय चौधरी तो यहाँ पर भी ट्रम्प ऑफ द लेबर की बात हो रही है हु वॉज दिस सेंसिटिव आर्टिस्ट एंड विच इज कप्चर फ्रॉम योर कोर्स ऑफ स्टडी रिफ्लेक्ट दिस थ्रू रियलिस्टिक मॉडलिंग ऑफ मसल्स मूवमेंट एंड ह्यूमन फॉर्म एंड लेबर तो यहाँ पर ना आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ के जाने की बात है और आप ये क्वेश्चन एक बार पढ़ के देखेंगे बिना इसका आंसर देखे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि कौन सा आंसर यहाँ पर आपको लिखना है तो ऐसे आप यहाँ पर समझ के जाएंगे डिस्क्राइब हाउ द स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी ब्रिंग बिक्ट्री एज शॉन इन दिस स्कप्चर क्वेश्चन थ्री फोर वर्कर आर ट्राइंग टू रिमूव है हैवी रॉक विद ऑल देयर पावर तो यहाँ पर भी यही आपको देखने को मिलता है तो इसमें इसका आंसर यहाँ से आपको मिल जाएगा आप इसे पढ़ करके जा सकते हैं याद कर करके जा सकते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव इन दिस स्कप्चर द सेक्रेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिवाइन पावर ऑफ गणेशा एज अ लीडर एंड एन आर्टिस्ट आर डिपिक्टेड विद द इंडिजीनियस करेक्टर ऑफ केव एंड टेम्पल एंड स्कप्चर तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि ये भाई राइट द मटीरियल यूज एंड इट्स स्कप्टर तो यहाँ पर एक तो आपको लिखना है राइट द मटीरियल जो भी मटीरियल यूज हुआ है एंड इसका स्कप्टर भी लिखना है स्कप्टर मतलब होता है जो जिसने स्कप्चर बनाया है एंड वाइल क्रिटिकली एनालाइजिंग दिस स्कप्चर आइडेंटिफाई सम करेक्टरिस्टिक ऑफ अ लीडर एंड एन आर्टिस्ट विच इंस्पायर्स यू तो यहाँ पर आपको ये सारी चीजें देनी है क्वेश्चन नंबर थ्री आता इन विच स्क लाइनर एलिमेंट्स एज फेशियल फीचर्स एंड डेकोरेटिव टू सजेस्ट रिलीजियस आइकन एलिमेंट वॉर्क तो यहाँ पर ये सारे यहाँ पर गणेशा की ही बात हो रही है सारे क्वेश्चन में तो गणेशा को आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं अभी क्वेश्चन नंबर सेवन देख लेते हैं नेम एनी टू स्कप्चर कोई भी दो स्कप्चर फ्रॉम योर कोर्स ऑफ स्टडी विच शोज डेली लाइफ ऑफ़ लेबर क्लास तो यहां पर दो जो स्कप्चर हैं जो डेली लाइफ दिखाते हैं लेबर क्लास की तो एक तो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा सेंथोल फैमिली और दूसरा यहां पर ट्राइम ऑफ द लेबर दो तो आपके जो स्कप्चर हैं वो ये दोनों स्कप्चर हैं यहाँ पर ट्राइम सेंथोल फैमिली भी आ जाता है सेंथोल फैमिली ऐसे आप डिस्क्राइब कर सकते हैं और यहां पर आपसे शॉर्ट नोट लिखने के लिए अगर पूछा जा रहा है तो आप ऐसे शॉर्ट नोट लिख देंगे जिसमें जैसे क्राइसन हार्ट का हमने पीछे नहीं डिस्क्राइब किया था तो ये क्राइसन हार्ट हो गया गणेशा और सेंथोल फैमिली हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं तो वो आप यहाँ पर उठा कर के रख सकते हैं आई होप ये वीडियो बेनिफिशियल रहा होगा और ये पूरी सीरीज आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी अगर बेनिफिशियल रही है तो आप हमारे चैनल को रिकमेंड कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ जो ट्वेल्थ क्लास में हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं जब तक आपका पेंटिंग का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है और जब आपका पेंटिंग का एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद भी हम यहाँ पर आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और एक रिव्यूज़ वीडियो भी हम बनाते हैं जो कि हम स्पॉट पर जाते हैं जहाँ पर एग्ज़ाम चल रहा होता है बच्चों का तो उनकी हम रिएक्शन लेते हैं कैसा उनका क्वेश्चन पेपर आया है कैसे उसमें क्वेश्चन आए हैं उन्होंने कैसा करा है और उनको हमने हेल्प करा है या नहीं करा है हमारी वीडियो से हेल्प मिली है या नहीं मिली है तो ये सारी बातें हम उसमें करते हैं तो आज की वीडियो में बस इतना ही थैंक यू फॉर वाचिंग